चले जा रहे हैं गाड़ी लिए मैदान में, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इनको खुद ही नहीं पता है। भैंस बकरिया सब लेके जा रहे हैं और उनको सिर्फ लकड़ी का बना हुआ इतना अच्छा बना है, फटेगा तो इन लोग को पैरों को लगेगा। बड़ा बड़ा चलाते हैं, जमीन पे तो चलते ही नहीं है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं, एक फिल्म सिटी है उसको देखने, और साथ में आप लोग को दिखाएंगे भी। ये देखिए हमारी गवर्नमेंट बस, कर्नाटका गवर्नमेंट बस, BMTC यानी बेंगलोर सिटी बस है ये। इस साइड रोड है और इस साइड देख सकते हैं रेलवे ट्रैक। दोस्तों आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं वो फिल्म सिटी आखिर है कैसी, अच्छी है या नहीं अच्छी है या बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो तो देखने और दिखाने के बाद ही मालूम चलेगा। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं देखने के बाद। तो चलिए आइए चलते हैं, व्लॉग को शुरू करते हैं। लकड़ी का आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। देखिए सिर्फ लकड़ी का बना हुआ इतना अच्छा बना है, काफी यूनिक चीज है। और यहाँ चल रही है JCB की खुदाई। तो ये देख सकते हैं दादाजी अपनी गाय भैंस बकरियां सब लेके जा रहे हैं। दादाजी चल दिए अपनी गाय भैंसों के साथ। फिल्म इंडस्ट्री पे आ गए हैं। ये है इसका पीछे का गेट जो कि अभी क्लोज है। ये रहा वो फिल्म सिटी, इसका ये सामने जो दिख रहा है गेट, फिलहाल अभी क्लोज लग रहा है। आज संडे है, मे बी इसलिए क्लोज होगा, फिर चलिए चल के देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, देखिए ये एक्चुअली क्लोज है। तो ये एक यहाँ से पीछे से रास्ता जाता है, या फिर रास्ता जाएगा या नहीं जाएगा देखते हैं, लेकिन एक पीछे का रास्ता बना हुआ है। ये देखिए ये रास्ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं खुले वादियों में। आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाता हूं कि आपको भी देख के बहुत ही खुशी मिलेगी, दिल को सुकून मिलेगा। ये देखिए दोस्तों चले जा रहे हैं गाड़ी लिए मैदान में, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे खुद ही नहीं पता है, जाना है इसलिए चले जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे भगवान ही भरोसे। तो दोस्तों देखिए इतनी अच्छी जगह को, जैसा मैं दिखाया आप लोग को भी कि लोग पिकनिक मनाने आते हैं और कूड़ा करकट यहाँ फैला के चले जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे प्लेसेस भी आके अपनी पार्टी के चक्कर में उस प्लेस को गंदा कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए एक बियर की बोतल है ये। देखिए इस पेड़ के नीचे खड़े हम फिलहाल, इस भरी धूप में एक पेड़ ही काफ़ी है आपको छांव देने के लिए और बहुत सुकून देने के लिए। इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाइए, पेड़ कटने मत दीजिए और काटिए खुद भी मत काटिए। तो ये देखिए हमारी 6 लेन रोड जो सीधे जाए, इसको हम 6 लेन 8 लेन जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। एक साइड दोस्तों इधर पेड़ है, इधर सारे कंकड़ पत्थर हैं, और इस साइड देखेंगे तो पूरा खुला मैदान दिखेगा आपको। तो दोस्तों देखिए हम आपको कुछ यूनिक चीज़ दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ गाय और साथ में पक्षी यानी कि बगुला दोनों मिल के साथ में अपने भोजन कर रहे हैं, पक्षी और जानवर। ये चीज़ देखिए साथ में आप देख सकते हैं। उनको देखिए जहाँ जहाँ गाय जा रही है खाने, वहाँ वहाँ पीछे पीछे बगुले भी जा रहे हैं।
उसके साथ ही मिलके खा रहे हैं, अलग नहीं। इतनी सारी जगह खुली, खुला आसमान है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनको उनके साथ ही जा के खाना है। बाउंड्री लगी है फिर भी तार कटे हैं इधर, और ये देखिए एक महाजन आ रहे हैं जो कि तारों के बीचों नीचे। वाह, देखिए दोस्तों रास्ते में कुछ अच्छा यूनिक चीज़ मिल गया, घर देखिए बना है जो कि बहुत ही अच्छा है। ये देखिए खाली पत्थर से बनाया हुआ है जो कि अलग ही लुक दे रहा है, इसमें दीवार को प्लास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों ये देखिए केला की खेती है, आपको देखने में ये नॉर्मल केला की खेती लग रही होगी जैसे अपने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करते हैं, पर आपको एक चीज़ बता दूं, आप देख लीजिए ध्यान से, इस केले की खेती में ये नारियल और उसका सुपारी का पेड़ भी लगा है। देखिए एक ही खेत में डबल डबल यूज़ ले रहे हैं, डबल नहीं ट्रिपल यूज़ ले रहे हैं केला की, जो कि एक ही सीजन देता है वो फिर काट के फेंक देंगे बाद में। ये दूसरे पेड़ जो हैं नारियल और ये जो भी सुपारी, इसका यूज़ है देखिए। तो दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं, रास्ते में कुछ अच्छा दिखता है तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं वापस। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं, ये लोग साइकिल को उड़ा उड़ा के चलाते हैं, ज़मीन पे तो चलते ही नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज के ब्लॉग में आपने जो देखा उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।